हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो रीडिंग 2190। मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं रीडिंग लेने जा रही हूँ, दैट इज़ जनरल रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। आज जो हम रीडिंग लेने जा रहे हैं वो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। आपके पार्टनर आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आज वो आपके साथ बात करेंगे या नहीं करेंगे, आज उनके मन में क्या चल रहा है, चलिए इन टैरो कार्ड्स के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो कहीं ना कहीं आपकी स्टोरी अलग है, और जो हम आज कार्ड रीडिंग लेने जा रहे हैं वो एक अलग टॉपिक पर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सारी रीडिंग सबके साथ रेजोनेट करे, तो अगर आपके साथ नहीं भी करती है तो आप ज़रूर इसको शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों तक ये रीडिंग पहुंच सके जिनको ज़रूरत है। चलिए आज देखते हैं कि आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग क्या है। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को ये बताइए कि आज उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग क्या रहेगी। आज उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनका कांटेक्ट आज होगा या नहीं, या अगर वो सेपरेशन जोन में है तो भी उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या चल रही हैं, अगर वो नो कांटेक्ट रिलेशन में है तो उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे। चलिए इन कार्ड्स के थ्रू हम जान लेते हैं कि आपके पार्टनर आज आपके बारे में क्या प्लान कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। देखिए, जो भी कार्ड यहाँ पर ओपन होंगे आप उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये कार्ड्स आपके साथ बहुत अच्छे से रेजोनेट कर पाएंगे। तो देखिए ये और लास्ट का ये सी दिस, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे कार्ड्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकलीफ के बारे में बता रहे हैं। आप के पार्टनर आपको छोड़ के चले गए हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब हुआ क्या है, जो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है वो ये कि आपके पार्टनर ने शायद कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को अपने मन में अंदर दबा के रखा हुआ था, या फिर आपने अपनी फीलिंग्स को मन में दबा के रखा हुआ था जो आप उनको नहीं बता पा रहे थे। उसकी वजह से क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं जब आप लोगों ने अपने मन की बात एक दूसरे को क्लियरली बताई नहीं है तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों में दूरियां आनी शुरू हो गई हैं। ठीक है, अगर वो आपको छोड़ के जाने का सोच रहे हैं तो वो चले जाएंगे क्योंकि बात ही नहीं हो पाती है, आप लोग एक दूसरे को अपने बातें समझा ही नहीं पा रहे हैं। अब वो आप क्यों ये बात नहीं समझा पा रहे हैं या वो क्यों आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, वो सिर्फ इतना है कि आप लोग कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता दूँ, दूसरी बात ये है कि आप लोग आपस में बहुत ज़्यादा लिंक नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आती हुई भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो वो देखिए, आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली कि वो आपके और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि वो आपकी तरफ जाएँ या थर्ड पार्टी की तरफ जाएँ। वो आपकी तरफ आपके साथ रहना भी चाहते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं आपसे दुखी हो गए हैं या आपसे परेशान हो गए हैं, तो वो आपको यहाँ से छोड़कर जाना चाह रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी भी उनकी लाइफ में एंटर करती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं मैसेज जो मुझे यहाँ मिल रहा है वो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप का मैसेज यहाँ पर मेरे को मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो आपसे बात करनी उन्होंने बंद कर दी है, नो कॉन्टैक्ट जोन में वो जा रहे हैं। आप ये सोच के परेशान हैं कि ऐसा क्या हुआ है, क्यों हुआ है, मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पर क्लियर कट ये शो हो रहा है, आप सारे कार्ड्स को अगर आप एनर्जी लिंक करेंगे तो सारे कार्ड्स सिर्फ यही बोल रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, थर्ड पार्टी के पास उनका जाने का मन नहीं है लेकिन उनको जाना पड़ रहा है क्योंकि आप अपनी बातें उनको एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं, आप उनसे चीज़ें शेयर ही नहीं करते, कहीं ना कहीं आप चीज़ें छुपा रहे हैं जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको शायद धोखा दे रहे हैं। ठीक है, तो अपनी बातों को आपने बहुत ज़्यादा दबा के रखा हुआ है, वो अगर आपसे कुछ पूछते हैं तो शायद आप उनको जवाब नहीं दे रहे हैं, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ रहा है जिसकी जो आप उनके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं या आप उनको बता नहीं रहे हैं या वो छुपा रहे हैं, तो हो सकता है आपकी लाइफ में भी कोई आ रहा है जिसकी वजह से आप वो उनको डाउट हो रहा है और वो यहाँ से आपसे रिलेशन छोड़ के जाना चाहते हैं। तो अब आप ये देखिए कि सिर्फ बातचीत ना करने की वजह से कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो रही है, आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं या वो एक्सप्रेसिव नहीं है, बट थर्ड पार्टी रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर बिल्कुल एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है, या तो आपकी लाइफ में आ रहा है या उनकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि आपके साथ जो भी ये पार्टनर आपके, अगर उनके साथ उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ रही है तो वो आपके साथ आपको छुपा रहे हैं, आपसे आपको बातें नहीं बता रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। ठीक है, तो ये थी आज आपकी रीडिंग। देखते हैं अगली रीडिंग अगले
वीडियो में क्या आपकी रीडिंग निकल के आती है, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स निकल के आती हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी रीडिंग्स यहाँ पे ली जाएं वो आप तक पहुँच सके टाइम पर। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।